सो इंसिडेंस मैट्रिक्स टेल अस हाउ द ब्रांचेस आर कनेक्टेड टू ईच नोड ऑफ द ग्राफ. ओके सो इंसिडेंस मैट्रिक्स इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द मैट्रिक्स ए. ओके नाउ द डायमेंशन ऑफ द मैट्रिक्स ए इज एन क्रॉस बी. सो एन क्रॉस बी इज ऑल्सो नोन एज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स वेयर एन इज द नंबर ऑफ द नोड्स एंड बी इज द नंबर ऑफ द ब्रांचेज. इट मीन्स इंसिडेंस मैट्रिक्स जब हम ड्रॉ करेंगे तो उसमें हम नंबर ऑफ नोड्स एंड नंबर ऑफ ब्रांचेज कंसिडर करेंगे. ओके सो लेट अस सी द प्रॉपर्टीज ऑफ द इंसिडेंस मैट्रिक्स. फर्स्ट इज दिस मैट्रिक्स ट्रांसलेट ऑल द ज्योमेट्रिक फीचर्स ऑफ द ग्राफ इन टू एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. ओके नाउ दिस ग्राफ हैज एवरी ग्राफ हैज इंसिडेंस मैट्रिक्स एंड वाइस वर्सा. एंड इंसिडेंस मैट्रिक्स के अंदर जितने भी एंट्रीज हैं या तो वो प्लस वन होंगी या माइनस वन या जीरो. ओके इसके अलावा और कोई भी एंट्री नहीं होगी मैट्रिक्स के अंदर डिपेंडिंग अपॉन द ओरिएंटेशन ऑफ द ब्रांच विद द नोड. सो फॉर एग्जाम्पल दिस इज नोड. ओके दिस इज नोड. सो इफ इफ द ब्रांच एरो इज पॉइंटिंग अवे फ्रॉम द नोड देन हम उसमें लिखेंगे प्लस वन. ओके सो इफ द एरो इज पॉइंटिंग टुवर्ड द नोड देन इट माइनस वन विल कम एंड इफ द ब्रांच इज नॉट कनेक्टेड टू दैट नोड देन जीरो विल बी कमिंग इन द मैट्रिक्स. ओके नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज ईच कॉलम ऑफ अ मैट्रिक्स कंटेन ओनली वन एंट्री ऑफ प्लस वन एंड ओनली वन एंट्री ऑफ माइनस वन. इट मीन्स जब हम इंसिडेंस मैट्रिक्स जब ड्रॉ करेंगे सो वील सी दैट सम ऑफ ईच कॉलम एंट्री विल बी जीरो. सो इट मीन्स सिर्फ उसमें एक प्लस वन होगा एंड एक माइनस वन होगा सो दैट सम ऑफ द एलिमेंट ऑफ ईच कॉलम इज ऑलवेज इक्वल टू जीरो. सो दिस इज इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी दैट इंसिडेंस मैट्रिक्स के कॉलम को हम जब ऐड करेंगे इट विल रिजल्ट जीरो. सो एज अ रिजल्ट जब हम उसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करेंगे ऑफ द इंसिडेंस मैट्रिक्स ऑफ अ क्लोज लूप इट विल ऑलवेज बी इक्वल टू जीरो. नाउ ऑर्डर ऑफ द इंसिडेंस मैट्रिक्स इज गिवन बाय एन क्रॉस बी वेयर एन इज द नंबर ऑफ द नोड्स एंड बी इज द नंबर ऑफ द ब्रांचेस. ओके सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द इंसिडेंस मैट्रिक्स विद द एग्जाम्पल. ओके सो दिस इज द एग्जाम्पल. सो दिस इज़ अ क्वेश्चन वी हैव टू ड्रॉ द इंसिडेंस मैट्रिक्स फॉर द गिवन नेटवर्क. ओके सो यहाँ पे क्या है कि हमें एक नेटवर्क गिवन है एंड उसमें क्या है कि हमें डायरेक्शंस भी मार्क किए हैं. सो इट मीन दिस इज इससे जो ग्राफ डेवलप होगा वो ओरिएंटेड एंड डायरेक्टेड ग्राफ होगा. सो सबसे पहले क्या है कि हमें इसका ग्राफ डेवलप करना है. सो इसमें कितनी नोड्स प्रेजेंट हैं. सो दिस इज नोड वन. सपोज दिस इज नोड ए. दिस इज अनदर नोड. ओके सो नोड इज अ जंक्शन वेयर टू और मोर ब्रांचेज आर मीटिंग. ओके सो दिस इज अनदर नोड सपोज सी एंड दिस इज अनदर नोड. सो टोटल कितने नोड्स हैं. फोर नोड्स आर देयर दैट इज ए बी एंड सी डी. ओके एंड नंबर ऑफ ब्रांचेज. सो दिस इज ब्रांच वन टू ब्रांच थ्री ब्रांच फोर ब्रांच फाइव एंड ब्रांच सिक्स. ओके सो नंबर ऑफ द नोड्स आर फोर एंड हाउ मेनी ब्रांचेज आर देयर वन. ओके सो दिस इज ब्रांच ए से लेके डी तक दिस इज ब्रांच वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स. ओके सो सबसे पहले क्या है कि हम ग्राफ डेवलप करेंगे. सो जब हम ग्राफ डेवलप करेंगे तो जो टोटल नोड्स हैं इट विल रिमेन एज इट इज. सो दिस इज नोड ए नोड बी नोड सी एंड दिस इज नोड डी. ओके नाउ जो रेसिस्टेंस है लाइक एलिमेंट्स आर एल सी दे विल बी रिप्लेस बाय द शॉर्ट सर्किट आई मीन सॉलिड लाइन. बी एंड सी के बीच में भी एक रेजिस्टेंस है तो इट विल बी रिप्लेस बाय शॉर्ट सर्किट एंड बी एंड डी के बीच में भी एक रेजिस्टेंस है तो इट विल बी रिप्लेस बाय शॉर्ट सर्किट एंड इन बिटवीन सी एंड डी रेजिस्टेंस इज देयर सो दिस विल ऑल्सो बी रिप्लेस बाय शॉर्ट सर्किट. सो ए टू डी एक वोल्टेज सोर्स है एंड रेजिस्टेंस. सो रेजिस्टेंस विल बी रिप्लेस बाय शॉर्ट सर्किट एंड द वोल्टेज सोर्स इट विल बी रिप्लेस बाय इंटरनल रेजिस्टेंस. अब वोल्टेज का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होता है जीरो. इट मीन्स दिस विल ऑल्सो बी रिप्लेस बाय शॉर्ट सर्किट and in between A and C we are having our another resistance so this will also be replaced by short circuit. So this is the graph. Okay now nodes will remain same. So this is node A node B node C and node D. Now let us mark the arrow. Arrow direction will remain the same. So this is arrow direction already given in the question. Okay this is downward direction. So suppose let this is branch 1, this is branch 2, this is branch 3 and this is branch 4, this is branch 5 and this is branch 6. So this is a oriented graph. Okay now isse hame kya hai incidence matrix draw karna hai. So in the incidence matrix it is denoted by matrix A. Okay now
In the incidence matrix, we represent only nodes and branches. Okay, let me represent like this. So N indicate nodes and B indicate branches. So is graph mein jitne bhi branches hain, we'll write here. So total 6 branches are there. So 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Okay, so 6 branches are there. Now in the vertical column we'll write the nodes. So node A is there, node B, node C and node D is there. Now branch 1 is connected between node C and D. Okay, so jiske beech mein wo connected hai hum usko consider karenge sabse pehle. Okay, so this is branch. Okay, this indicates 1 2 6 they are indicating branch, and A B C D they are indicating nodes. Okay, so this is branch 1. Okay, so it is connected between branch C and D. So C पे जो है it is pointing away from the, मतलब ये जो branch है वो C से दूर जा रही है and D की तरफ जा रही है. So pointing away from the branch C, so it means C पे क्या है, plus 1 है, and it is pointing towards branch D, so it will be equal to minus 1. Okay, जो notation हमने यहाँ पे देखा था ना कि अगर जो ब्रांच है इट इज़ पॉइंटिंग अवे फ्रॉम द नोड देन प्लस वन आएगा, एंड इट इज़ पॉइंटिंग टुवर्ड द नोड माइनस वन, एंड जिससे वो कनेक्टेड नहीं है वो जीरो. सो यहाँ पे क्या है कि जो ब्रांच वन है इट इज़ नॉट कनेक्टेड विद द नोड ए बी, सो यहाँ पे कितना आ जाएगा, जीरो. ओके, सिमिलरली इफ़ यू कंसिडर ब्रांच बी, इट इज़ सॉरी ब्रांच टू, इट इज़ कनेक्टेड बिटवीन ब्रांच बी एंड डी. सो ब्रांच बी और डी में इट मीन्स ब्रांच नोड ए एंड सी पे वो जीरो, बिकॉज इट इज़ नॉट कनेक्टेड विद द नोड ए एंड सी. ओके, नाउ इट इज़ पॉइंटिंग अवे फ्रॉम द डी, इट मीन्स डी पे क्या है, प्लस वन आएगा, एंड इट इज़ पॉइंटिंग टुवर्ड्स ब्रांच सॉरी नोड बी, सो इट विल बी माइनस वन. सिमिलरली अगर हम ब्रांच थ्री कंसिडर करते हैं, ओके, सो ब्रांच थ्री इज कनेक्टेड बिटवीन नोड ए एंड नोड डी, सो इट इज़ पॉइंटिंग अवे फ्रॉम नोड ए, सो नोड ए पे क्या है, प्लस वन है, एंड पॉइंटिंग टुवर्ड्स नोड डी, सो इट विल बी माइनस वन, एंड इट इज़ नोट नॉट कनेक्टेड विद द नोड बी एंड सी, तो वहाँ पे कितना आ जाएगा, जीरो. नाउ लेट अस सी फॉर द ब्रांच फोर. सो ब्रांच फोर इज़ कनेक्टेड बिटवीन नोड ए एंड नोड बी, सो नोड ए से वो निकल रहा है, इट मीन्स प्लस वन pointing away from the node A and pointing toward node B, so minus 1, and it is not connected with the node C and D, so yahan pe kitna, 0. Okay, now let us see for the branch 5. Branch 5 is connected between node B and node C, so pointing away from node C, so node C pe kya hai, plus 1 hai, and pointing toward node B, so B pe kya hai, minus 1, and yahan pe kitna jayega, 0. Okay, now last branch is 6, which is connected between node A and node C. So node A से वो दूर जा रहा है, तो node A पे कितना है, plus 1, pointing away from the node A and pointing towards node C. So node C पे minus 1, and it is not connected with the node B and node D. So ये जो matrix develop हुआ, this matrix is known as incidence matrix. इंसिडेंस मैट्रिक्स, एंड इसका ऑर्डर इज गिवन बाय एन क्रॉस बी. सो अब यहाँ पे नंबर ऑफ नोड्स कितने हैं, 4 नोड्स आर देयर, एंड हाउ मेनी ब्रांचेस आर देयर, 6 ब्रांचेस. सो द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 4 × 6. ओके, नाउ हमने एक प्रॉपर्टी देखी थी ना कि सम ईच कॉलम का जो सम है इट विल बी 0. ओके, नाउ लेट अस सी कि वो यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं. सो अगर हम फर्स्ट कॉलम का सम देखते हैं तो इट इज़ प्लस वन एंड माइनस वन, इट मीन्स जीरो, एंड कॉलम टू का सम इज़ ऑल्सो जीरो, कॉलम थ्री, कॉलम फोर, एवरी कॉलम सम इज़ जीरो, इट मीन्स दिस प्रॉपर्टी इज सेटिस्फाई इन द इंसिडेंस मैट्रिक्स. सो हमने जो मैट्रिक्स ड्रॉ करा है वो करेक्ट है. ओके, नाउ लेट अस सी अ क्वेश्चन.
द इंसिडेंस मैट्रिक्स ऑफ अ ग्राफ इज गिवन बिलो. नाउ अब हमें क्या है, इंसिडेंस मैट्रिक्स गिवन है, वी हैव टू डेवलप द ग्राफ. ओके, सो इंसिडेंस मैट्रिक्स इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ नोड्स एंड ब्रांचेस. इट मीन्स वर्टिकली हम क्या है, नोड्स गिवन है. लेट अस फर्स्ट राइट नोड्स, दे आर इंडिकेटेड बाय, सो टोटल 5 नोड्स आर देयर. ओके, सो दिस इज नोड 1, नोड 2, नोड 3, नोड 4 एंड नोड 5. ओके, एंड ब्रांचेस, हाउ मेनी ब्रांचेस, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ब्रांचेस आर देयर, सपोज denoted by branch A, B, C, D, E, F and G. Now every column ka sum 0 hai. Okay, now this branch A, it is connected between node 1 and 5. Okay, so node 1 and 5 ke beech mein hum dekhenge, jisme kya hai, 5 pe positive matlab plus 1 hai. It means it is pointing away from the node 5, matlab node 5 se nikalni chahiye. Option A mein kya hai, it is pointing toward node 5, so it means galat. ओके, सो प्लस वन का मतलब क्या है, पॉइंटिंग अवे फ्रॉम दैट नोड. ओके, एंड माइनस वन मीन्स पॉइंटिंग टुवर्ड दैट नोड. ओके, सो यहाँ पे क्या है कि जो ब्रांच ए है उस पर क्या है, प्लस वन इज एट नोड 5, सो इट मीन्स पॉइंटिंग अवे फ्रॉम द नोड 5. सो इट मीन्स ऑप्शन ए इज रॉन्ग, ऑप्शन सी इज रॉन्ग. सो इधर ऑप्शन बी इज राइट और ऑप्शन डी, बिकॉज वो नोड 5 से दूर जा रही है वाली ब्रांच. ठीक है, नाउ लेट अस सी, लेट अस कंसिडर द ब्रांच विच इज कनेक्टेड बिटवीन नोड 1 एंड 4. सो नोड 1 एंड 4 के बीच में कौन सी ब्रांच कनेक्टेड है, दिस इज ब्रांच ई, बिकॉज इट इज कनेक्टेड बिटवीन नोड 1 एंड नोड 4. नाउ नोड 1 पे पॉजिटिव है, इट मीन्स इट इज पॉइंटिंग अवे फ्रॉम द नोड 1. पॉइंटिंग अवे फ्रॉम द नोड 1 इज इन द ऑप्शन बी. इट मीन्स बी इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज यहाँ पे क्या है कि ये वाले जो ब्रांच है, इट इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द नोड 1. ओके, नाउ लेट अस सी द रिड्यूस्ड इंसिडेंस मैट्रिक्स. सो इन द रिड्यूस इंसिडेंस मैट्रिक्स, अ पर्टिकुलर नोड, कोई भी नोड आप ले सकते हैं, इज टेकन एज अ रेफरेंस नोड एंड द रो करस्पॉन्डिंग टू दैट नोड इज डिलीटेड. उसके बाद जो मैट्रिक्स बचा, दैट इज नोन एज अ रिड्यूस इंसिडेंस मैट्रिक्स. सो हमने यहाँ पे जैसे ये मैट्रिक्स डेवलप करा, इसमें क्या है, 4 नोड्स आर देयर. इसमें आप किसी भी एक नोड को रेफरेंस कंसिडर कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टेक डी नोड एज अ रेफरेंस नोड. ओके, सो इफ आई कंसिडर डी नोड एज ए रेफरेंस नोड एंड उसके करस्पॉन्डिंग जो रो है उसको मैं डिलीट कर दूँ, तो जो मैट्रिक्स बच गया, दैट इज नोन एज द रिड्यूस्ड इंसिडेंस मैट्रिक्स. सो इट इज डिनोटेड बाय ए ऑफ आर. ओके, सो अब जो मैट्रिक्स बचा, नाउ हमने डी नोड को एज अ रेफरेंस नोड कंसिडर करा, सो नाउ वी आर लेफ्ट विद द नोड A, B and C, and जो branches हैं, it will remain same, 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Okay, so 0, 0 and +1. Okay, so write all the entries as it is. Okay, so 0, 0 + 1, now it will be 0, यहाँ पे था -1, 0 एंड यहाँ पे +1, 0, 0. यू कैन क्रॉस चेक. ओके, 0, -1, +1 एंड +1, 0 and -1. सो यहाँ पे हमने डी नोड को एज अ रेफरेंस नोड कंसीडर कर लिया. नाउ अगर हम डी नोड को एज अ रेफरेंस ले लेंगे, देन द ऑर्डर ऑफ द रिड्यूस इंसिडेंस मैट्रिक्स, इट विल बी n-1 × b. नाउ अब कितनी नोड्स हो गई यहाँ पे, 3 नोड्स आ दे एंड नंबर ऑफ द ब्रांचेस आर 6. सो दिस इज द ऑर्डर ऑफ दिस मैट्रिक्स. ओके, सो आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे टाई सेट मैट्रिक्स, कट सेट मैट्रिक्स एंड ड्यूअलिटी. ओके, सो थैंक यू सो मच.